प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 8 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो कक्षा 8 के स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की जो ब्लूप्रिंट है, आपकी सोशल साइंस की जो ब्लूप्रिंट है, जो आपकी 2024 की एग्जाम के लिए जारी की गई है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और इससे पहले मैंने कक्षा 8 के सभी विषयों की जो ब्लूप्रिंट है 2024 की एग्जाम के लिए, वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। उन सभी वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की जितनी भी आपकी बुक है, सभी बुक का इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। यानी ऑल बुक है आपकी, जितनी भी बुक है, जो आपकी हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल की है, जियोग्राफी की है और हमारा राजस्थान, चार बुक है आपकी सामाजिक विज्ञान की। तो चार सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उनमें कौन कौन सा चैप्टर आपके कितने मार्क्स का है और उस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर की तैयारी करनी है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग सामाजिक विज्ञान के पेपर की तैयारी करेंगे तो आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो बना सकते हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे इस ब्लूप्रिंट में कि कौन सा चैप्टर आपके कितने मार्क्स का है और उस चैप्टर से आपके कितने पर्सन आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे। तो पूरी जो जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंदर सबसे पहले हम आपके संसाधन और विकास, ये आपकी बुक का नाम है संसाधन और विकास, तो इस बुक के बारे में बात करेंगे कि इस बुक में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर आपके कितने नंबर का है और उससे कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड परीक्षा 2024 की आपको तैयारी करनी है। तो देखिए संसाधन और विकास, इसमें जो अध्याय फर्स्ट है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके, जिसका नाम है आपके संसाधन, ओके। अब संसाधन वाला चैप्टर है वो इस बार आपके कितने नंबर का कर दिया गया है, एक नंबर का चैप्टर है। यानी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके संसाधन और विकास, इसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके संसाधन, जो आपके कितने नंबर का है, एक नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर से हम इस चैप्टर से आपके इस बार बोर्ड के पेपर में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जो आपके कितने नंबर में पूछा जाएगा, एक नंबर में पूछा जाएगा, ओके। उसके बाद में देखिए दूसरा जो चैप्टर है इस बुक का, जो दूसरा अध्याय है आपके, भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, तो ये वाला चैप्टर है आपके 8 नंबर का चैप्टर है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है, पूरा चैप्टर तैयार करना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन आने वाला है, निम्नात्मक क्वेश्चन आएगा, बड़े मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने नंबर में मिलेगा ये आपको, 8 नंबर में मिलेगा, यानी 8 नंबर का ये चैप्टर है आपके। तो अच्छे से आपको इस चैप्टर की तैयारी करनी है। उसके बाद में देखिए तीसरा जो अध्याय है आपके, चैप्टर नंबर थर्ड है आपके कृषि, तो कृषि वाला जो चैप्टर है, कृषि वाला जो चैप्टर है वो आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का चैप्टर है, ओके। अब इस चैप्टर से आपके एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो प्रश्न आपके किस टाइप का होगा, लघु उत्तरात्मक होगा। यानी अध्याय 3 है आपके कृषि एग्रीकल्चर, जो कितने नंबर का, कितने मार्क्स का चैप्टर है आपके, 4 मार्क्स का चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन आएगा लघु उत्तरात्मक, जो कितने मार्क्स में मिलेगा आपको, 4 मार्क्स में मिलेगा, यानी 4 अंक में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट अध्याय की बात करें तो आपके चैप्टर नंबर 4 है, तो चैप्टर नंबर 4 आप देख सकते हैं यहां पर, चैप्टर नंबर 4 का नाम आपके क्या है, उद्योग। यानी उद्योग वाला जो अध्याय है, उद्योग वाला जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है आपके, इस बार 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपके आने वाला है, और इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन आएगा लघु उत्तरात्मक, ओके। और कितने मार्क्स में मिलेगा ये आपको, 4 अंक में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से तैयार करना है ये वाला चैप्टर भी, क्योंकि 4 नंबर में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है आपके। और उसके बाद में देखिए पांचवा चैप्टर है आपके, जिसका नाम है आपके मानव संसाधन, तो मानव संसाधन वाला जो चैप्टर है, मानव संसाधन वाला जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है आपके, कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का ये चैप्टर है।
अब इस चैप्टर से आपके दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का जो यानी मानव संसाधन वाला जो चैप्टर है, इससे पहला जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेगा, जो कितने नंबर में मिलेगा आपको, एक नंबर में मिलेगा, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन आएगा आपके इस चैप्टर से एक। और एक क्वेश्चन आएगा आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो कितने नंबर में देखने को मिलेगा आपको, दो नंबर में देखने को मिलेगा। यानी इस प्रकार से ये वाला जो चैप्टर है ये टोटल आपके कितने नंबर का है, ये आपके तीन नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखिए सेकंड बुक है आपके सामाजिक विज्ञान की, जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन थर्ड, ओके, यानी पॉलिटिकल की बुक है। और इस पॉलिटिकल की बुक में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और उस चैप्टर से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, तो पूरी जानकारी हम इस बुक की भी बात करेंगे। तो देखिए अध्याय फर्स्ट है जो पॉलिटिकल है आपके, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके, जिसका नाम है भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान, और एक है आपके चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है धर्म निरपेक्षता की समझ, ओके। अब ये दो चैप्टर ऐसे हैं, इन दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो आपके एक क्वेश्चन आएगा, यानी निम्नात्मक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, दोनों चैप्टर से आएगा। यानी पहला जो क्वेश्चन है वो आपके इस चैप्टर से आ जाएगा, उसके अथवा में क्वेश्चन जो मिलेगा यानी इस चैप्टर के अथवा में जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस चैप्टर का मिलेगा आपको। और टोटल कितने नंबर का होगा, वो क्वेश्चन आठ नंबर का होगा। या तो इस चैप्टर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप, या इस वाला एक क्वेश्चन आपको करना है तो अच्छे से आपको एक चैप्टर तैयार कर लेना है, या तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कीजिए या चैप्टर नंबर सेकंड, यानी दोनों चैप्टर करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो अथवा में आएगा, तो एक करना है आपको, आठ नंबर आपको मिलेंगे। और उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर तीन है आपके, चैप्टर नंबर तीन का नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। तो संसद तथा कानूनों का निर्माण वाला जो अध्याय है, जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो आपके कितने नंबर का है, दो नंबर का चैप्टर है, यानी दो नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। अब देखिए दो नंबर का जो चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपको केवल एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपके अति लघुतरात्मक होगा, और कितने नंबर में मिलेगा आपको, दो नंबर में मिलेगा, दो अंक में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर फोर है आपके, चैप्टर नंबर फोर का नाम है आपके न्यायपालिका। अब न्यायपालिका वाला जो चैप्टर है ये टोटल कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का है आपके, तीन नंबर का ये चैप्टर है आपके, और इस चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपके वस्तुनिष्ठ, जो मल्टीपल चॉइस होगा, जो एमसीक्यूज होगा, जो कितने अंक बार में मिलेगा, जो कितने मार्क्स में देखने को मिलेगा, वन मार्क्स में देखने को मिलेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा, अति लघुत्तरात्मक मिलेगा, जो कितने अंक में होगा आपके, कितने मार्क्स में होगा, टू मार्क्स में होगा, यानी दो अंक में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चैप्टर नंबर फोर है न्यायपालिका, ये वाला चैप्टर आपके फोर मार्क्स का है और इस चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर नंबर फाइव की, तो पॉलिटिकल का जो चैप्टर नंबर फाइव है जिसका नाम है आपके हाशियेकरण की समझ, और एक है आपके चैप्टर नंबर सिक्स हाशियेकरण से निपटना। दोनों चैप्टर सेम है, ओके। अब दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो इंक्लूड क्वेश्चन आएगा, ओके, और कितने नंबर का होगा, दो नंबर का होगा, यानी अथवा में क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लीजिए हाशियेकरण की समझ जो चैप्टर नंबर फाइव से एक क्वेश्चन आ गया, और उसके अथवा में मिलेगा आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर नंबर सिक्स का, तो क्वेश्चन आपको एक ही करना है, अंक आपको दो मिलेंगे। तो दो नंबर का चैप्टर है आपके, तो दोनों में से एक चैप्टर आप आराम से तैयार कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मिलेगा जो किस टाइप का आएगा आपके, अति लघुतरात्मक आएगा, जो कितने नंबर का होगा आपके, दो नंबर का होगा। तो दो नंबर है वो आप आराम से अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर सात है आपके, और चैप्टर नंबर सात का नाम है मेरे बच्चों जन सुविधाएं। अब जन सुविधाएं वाला जो चैप्टर है वो इस बार कितने नंबर का किया गया है आपके, चार नंबर का चैप्टर कर दिया गया है, यानी इस चैप्टर से आपको चार नंबर के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन है वो किस टाइप का आएगा, तो इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो लघुतरात्मक मिलेगा, और जो कितने नंबर का होगा, चार नंबर का होगा। तो चार नंबर है वो आप आराम से बना सकते हैं इस चैप्टर को पढ़कर, तो अच्छे से आपको ये वाला चैप्टर भी तैयार करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अध्याय आठ है आपके,
और अध्याय आठ का नाम है आपके कानून और सामाजिक न्याय। तो कानून और सामाजिक न्याय वाला जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो किस टाइप का होगा, लघु उत्तरात्मक होगा, जो कितने नंबर में देखने को मिलेगा आपको, 4 नंबर में देखने को मिलेगा, 4 अंक आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट बुक है आपके हमारे अतीत थर्ड, हमारे अतीत थर्ड यानी हिस्ट्री की बुक है। और हिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ, चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर कितने नंबर का है आपके, 3 नंबर का ये चैप्टर है, 3 नंबर का ये लेसन है आपके। और इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपके वस्तुनिष्ठ, जो मल्टीपल चॉइस होगा, जो कितने नंबर में देखने को मिलेगा, 1 नंबर में, 1 मार्क्स में। और दूसरा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कितने नंबर में होगा आपके, 2 नंबर में होगा। और उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 2 है आपके, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों। और इस चैप्टर से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 4 नंबर का ये चैप्टर है टोटल आपके। और इस चैप्टर से केवल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो किस टाइप का होगा आपके, लघु उत्तरात्मक होगा, और 4 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए अध्याय 3 है आपके, चैप्टर नंबर 3 है आपके, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये वाला चैप्टर कितने नंबर का है, ये वाला चैप्टर आपके 2 नंबर का है। और इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो किस टाइप का होगा आपके, जो आपके अति लघु उत्तरात्मक होगा, जो कितने मार्क्स में देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, अध्याय 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका नाम है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो ये चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर आपके टोटल कितने नंबर का है, 2 नंबर का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो किस टाइप का होगा, अति लघु उत्तरात्मक होगा, जो 2 अंक में आपको देखने को मिलेगा, 2 अंक का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और उसके बाद में देखिए पांचवा अध्याय, पांचवा चैप्टर है आपके, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो ये चैप्टर आपके कितने नंबर का है, 1 नंबर का चैप्टर है, 1 नंबर का ये लेसन है आपके। और इस चैप्टर से आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कितने मार्क्स में होगा आपके, 1 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए अध्याय 6 है आपके, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7, इनसे जो क्वेश्चन आएगा वो आपके इंक्लूड क्वेश्चन आएगा अथवा में क्वेश्चन आएगा, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। और चैप्टर नंबर 7 है आपके महिलाएं जाति एवं सुधार। तो दोनों से जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा, यानी एक चैप्टर आपको पढ़ना है और कितने मार्क्स आप बना सकते हैं, यानी 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन आएगा वो अथवा में आएगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। तो या तो आप चैप्टर नंबर 6 को पढ़ें अच्छे से या चैप्टर नंबर 7 को पढ़ें, 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपको दिया गया है। और इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा, लघु उत्तरात्मक आएगा, जो कितने नंबर में देखने को मिलेगा, यानी 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, 4 अंक आपको ये चैप्टर दिला सकता है। तो अच्छे से आपको ये वाला चैप्टर तैयार करना है। उसके बाद में देखिए अध्याय 8 है आपके, चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है आपके राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो ये वाला जो चैप्टर है मेरे बच्चों, ये आपके टोटल कितने नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस मिलेगा आपको वो अति लघु उत्तरात्मक मिलेगा, जो कितने नंबर में देखने को मिलेगा, जो आपको 2 अंक में देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 9 है आपके, अध्याय 9 है, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद वाला जो अध्याय है आपके कितने नंबर का है,
टोटल 2 नंबर का ये चैप्टर है और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो आपके अति लघुत्रात्मक आएगा, अति लघुत्रीय प्रश्न आएगा, जो कितने नंबर में देखने को मिलेगा आपको 2 अंक में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखिए लास्ट है आपके जिस बुक का नाम है आपके हमारा राजस्थान भाग 3, तो हमारा राजस्थान वाली जो बुक है, हमारा राजस्थान वाली जो बुक है इसमें आपके जितने भी चैप्टर दिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अध्याय फर्स्ट, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। तो 18वीं सदी का राजस्थान ये चैप्टर कितने नंबर का है, चैप्टर 2 नंबर का है आपके। और इस चैप्टर से जो प्रश्न आएगा परीक्षा में वो आपके अति लघुत्रात्मक आएगा, जो कितने नंबर में देखने को मिलेगा आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखिए अध्याय 2 है आपके, चैप्टर 2 है जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपके टोटल कितने नंबर का है, 4 नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन आएगा लघुत्रात्मक, जो कितने नंबर में देखने को मिलेगा आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अध्याय 3 है आपके, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण वाला जो चैप्टर है ये आपके टोटल कितने नंबर का है, ये चैप्टर आपके टोटल 2 नंबर का है। और इस चैप्टर से आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन आएगा अति लघुत्रात्मक, जो कितने नंबर में देखने को मिलेगा आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए अध्याय 4 और अध्याय 5 यानी चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये दोनों इंक्लूड चैप्टर हैं, दोनों से जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो अथवा में आएगा। ओके, यानी एक क्वेश्चन आपके जनसंख्या वाले चैप्टर से आएगा, उसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो उद्योग वाले चैप्टर से आएगा। तो एक क्वेश्चन करना है यानी एक चैप्टर पढ़ना है। और कितने मार्क्स का है आपके, 2 मार्क्स का चैप्टर है, 2 नंबर का यह चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा आपके वो अति लघुत्रात्मक आएगा, जो कितने मार्क्स में आएगा, कितने अंक में आएगा आपके, 2 अंक में आएगा। और उसके बाद में अध्याय 6 है आपके, चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है परिवहन और पर्यटन। तो ये वाला जो चैप्टर है आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लघुत्रात्मक आएगा, और ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर में देखने को मिलेगा, कितने मार्क्स में देखने को मिलेगा, 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ओके, तो चारों बुक के जितने भी नंबर्स हुए हैं आप इनको जोड़ सकते हैं, बाकी 2 या 3 नंबर का आपके एक एक क्वेश्चन आएगा जो किससे रिलेटेड होगा, आपके रोड सेफ्टी एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन। ओके, यानी सड़क सुरक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको 2 या 3 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार 80 में से 80 नंबर है वो सामाजिक विज्ञान के अंदर आप बना सकते हैं। अगर आपने इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपने सामाजिक विज्ञान के सभी चैप्टर की, सभी बुक की अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।